वेलकम टू माय चैनल गाइस सो अगेन आई एम हेर फॉर यू ऑल माय लव्स गाइस आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल ब्राइडल मेकअप लुक आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये लुक बहुत ही जल्दी क्रिएट कर लिया है एंड प्लीज गाइज एक लाइक जरूर कर देना आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड लिटरली सच में ना ये लुक क्रिएट करने में फाइव आवर्स लग गए एंड मैं एंड में ये शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए एंड गाइज जो भी इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं ना सारे के सारे अंडर 300 500 ही हैं इससे ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और सारे ही प्रोडक्ट की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी हमेशा की तरह सो विदाउट वेस्टिंग मेनी मोर टाइम्स लेट्स गो इन टू दीडियो सबसे पहले मैं लूंगी जो भी सर्बल्स का ये लिप बाम और इससे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी ये सुगर एंड रोज पेटल से बना हुआ है बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से लिप्स को नरिश करता है एंड पिंक लिप्स बनाता है और सेकेंड यूज करूंगी बायोटिक का ये विटामिन सी लेमन टोनर ये बहुत अच्छा टोनर स्किन को हाइड्रेट भी करता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है साथ ही स्किन को बहुत ही लाइटन अप करता है अभी आप देख रहे हैं ग्लो साथ ही नेक्स्ट मैं यूज करूंगी हिमालय का ये नरिशिंग स्किन मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है ये हमारे लिए फेस को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है ऑल स्किन टाइप के लिए बेटर रहेगा ठंडियों में आप लोगों को पता ही होगा स्किन काफी ड्राई हो जाती है रफ हो जाती है और बिना मॉइस्चराइजर लगाए अगर आप मेकअप करते हो तो कैकी हो जाएगा पैची हो जाएगा और मॉइस्चराइजर के साथ मेकअप बहुत स्मूथ होता है नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ईबा का फोटो परफेक्ट प्राइमर इस प्राइमर का भी यही काम होता है कि हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और साथ ही जो भी फाउंडेशन में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ईबा का प्राइमर बहुत अच्छा है बहुत ही स्मूथली स्किन में लग जाता है इसके बाद कुछ भी आप लगाओ काफी स्मूथली हो जाता है और नेक्स्ट ले रही हूँ स्वीवी काउमो कंसीलर पैलेट इसमें से ऑरेंज कलर लूंगी बहुत ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल भी थिक नहीं है काफ़ी अच्छे से फेस पे लग जाता है ब्लेंड भी हो जाता है अभी देख रहे हैं आप फेस पे जहां जहां पर भी डार्कनेस है वहां पर लगाऊंगी अंडराइज एरिया पर माउथ के अराउंड फेस पे जहां पर भी डार्कनेस है उसके बाद देख रहे हैं आप ये पिंपल है ना इसके रेडनेस को कम करने के लिए मैं ले रही हूँ ग्री, ग्रीन कलर और उसको लगाने के बाद ना फिंगर के से ब्लेंड कर लूंगी देन उस पर प्लेस करूंगी एक डार्क शेड का कंसीलर इसको भी मैं ब्लेंड कर लूंगी ताकि फाउंडेशन के साथ भी जब ब्लेंड करूं तो ग्रीन कलर ना दिखे दो फाउंडेशन ले रही हूं लेक्मे नाइन टू फाइव का फिटमी का फिटमी का शेड है थ्री थर्टी लेक्मे नाइन टू फाइव का है वार्म क्रीम एंड इसमें यूज़ कर रही हूँ श्रय की मैं लूमी क्रीम ताकि मुझे एक नेचुरल सा ग्लो मिल सके मैं चाहती हूँ मेरा बेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगे और ग्लोई लगे आई मीन एंड इसको पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं ना मैं वेट ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्लैंडिंग आनी बहुत ज़रूरी है गाइज अभी देख रहे हैं आप कितना अच्छे से मेरी स्किन ब्राइट ब्राइटन अप हो रही है और बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रहा है सो so ये तरीका आप भी अपना सकते हो इसी तरीके से मैं अपने नेक पर भी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी ना आप देख रहे हैं और नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ मालयाव का कंसीलर गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना बहुत अच्छा है इसका शेड आई थिंक मीडियम बीस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज प्रोवाइड कराता है ये फेस के हाईलाइटेड एरियाज़ पर इसको मैं प्लेस करूँगी माउथ के अराउंड लगा लेना है और उसके बाद अगेन मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट मैं ले रही हूँ अगेन वही कंसीलर पैलेट और इसमें से मैं लूंगी ये डार्क ब्राउन शेड और फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी जो भी डबल चीक्स है उसको हाइड करूंगी नोज कॉन्टोरिंग देन अपने फोर को भी हाइड कर लूंगी उसी की हेल्प से और गाइज इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मैंने आपको बताया था बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं करता ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है एंड नेक्स्ट ले रही हूँ मैं लूज़ पाउडर के लिए फिटमी का लूज़ पाउडर शेड मीडियम और इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से बेकिंग करूंगी गाइज़ क्योंकि मेकअप सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर चाहे विंटर्स हो या फिर गर्मियां हो और अभी मैं ले रही हूँ ये हिलाईट रोडा का आईब्रो पाउडर एंड इसकी हेल्प से मैं अपनी आई को फिल कर लूंगी बहुत अच्छा है डार्क ग्रे शेड लिया था मैंने रेवोल्यूशन का मैं ये ब्राउन्ज़र ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस की ब्राउन्जिंग करूंगी गाइज़ इसी की हेल्प से नोज कॉन्डोरिंग भी हल्का हल्का सा कर लूंगी फ़ोर हेड को भी हाइड कर लूंगी एंड ब्लशर के लिए अगेन मैं रेवोल्यूशन का ब्लश ले रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा ये ब्लशर है एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद हाईलाइटर के लिए ले रही हूँ मैं वेट वाइल्ड का हाईलाइटर और ये हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है लॉन्ग टाइम तक चलता है अभी आप देख रहे हैं ग्लो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इसको लगाने के बाद नोज पे भी लगा लूँगी माउथ के पास लगा लूँगी उसके बाद जो भी मैंने फेस पे बेकिंग की थी एक फ्लफी ब्रश लेके मैं उसको हल्का हल्का सा करके रिमूव कर लूँगी बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं लगाना नहीं तो आ, सारा का सारा पाउडर ही निकल जाएगा उसके बाद आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ एक लाइट ऑरेंज शेड स्विस ब्यूटी के मिनी आई पैलेट से और इसको क्रीज एरिया के ऊपर लगाऊंगी इसी तरीके से सेकेंड से से आई पर भी देन थोड़ा सा डार्क ऑरेंज शेड लूंगी इसको मैं अपने क्रीज एरिया पर प्लेस करूंगी ब्लेंड करते हुए उसके बाद और उसे थोड़ा सा डार्क ऑरेंज शेड ले रही हूँ थोड़ा सा बर्न ऑरेंज शेड है वो और उसके बाद मैं ले रही हूँ लाइट डार्क शेड लाइट डार्क ब्राउन और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी गाइस सेम दोनों आइज़ पे प्लेस करती जाऊंगी साथ के साथ एंड में मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड क्योंकि मुझे करना है कट क्रीज़ उसके लिए मैं इफ़ेक्ट चाहती हूँ और यहाँ पर मैंने कंसीलर को ले लिया है कट क्रीज़ करने के लिए और आप देख रहे हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं कट क्रीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल वे है ये और अच्छे से हो भी जाता है जिनको प्रॉब्लम होती है उसके बाद मैं ये मार्स का ग्लिटर पैलेट ले रही हूँ इसमें से मैं ये जो लाइट गोल्डन शेड है वो यूज़ करूंगी और इसको ब्रश की हेल्प से जहां जहां पर मैंने कंसीलर लगाया था वहां पर हल्का हल्का सा प्लेस करूंगी पहले उसके बाद मैं और ग्लिटर लूँगी और उसको भी इसी तरीके से प्लेस कर दूंगी बहुत ही सिंपल वे में डार्क ब्राउन शेड लेके कॉर्नर पे प्लेस कर दूँगी और उसके बाद लोअर लैश लाइन पर मैं लाइट ब्राउन शेड लगाऊंगी देन उसके बाद थोड़ा सा डार्क ऑरेंजिश शेड लगाऊँगी और थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लेके मैं उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी देन उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर इनका लाइनर और एक विंग्ड आई लाइनर मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पर ये यह लाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है उसके बाद मैं हिलारी रोडा का ये ग्लीटर आई लाइनर यूज करूंगी अपनी लोअर हाफ लोअर लैश लाइन पर और इससे आइज़ को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है देन उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी ताकि वो अलग से ना दिखे अभी आप देख सकते हो देन अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी अच्छे से एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये मस्कारा बहुत अच्छा है ये लॉन्ग टाइम तक काफ़ी अच्छे से चल जाता है और लोअर लैश लाइन पर इस तरीके से देन उसके बाद मैं ये ग्लैम ट्वेंटी वन का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ एंड इससे आईज़ बहुत इफ़ेक्टिव लगती हैं उसके बाद ये दो लिपस्टिक यूज़ करूँगी फ़र्स्ट है ये डार्क मरून शेड मैटमी का और इसको लगाने के बाद गई मैं ऑमब्रीन लिप्स इफेक्ट दूंगी देन यहाँ पर एक न्यूड शेड ले रही हूँ ग्लैम ट्वेंटी वन लिट की और इसको भी अपने लिप्स पर लगा लूंगी देन उसके बाद इसको हल्का हल्का सा फिंगर की हेल्थ से स्प्रेड कर लूँगी ताकि मुझे अच्छे से लिप्स मिल सके उम्री देन ले रही हूँ शायन का ये मेकअप फिक्सर इसको ज़रूर ट्राई करना है इसको लगाने के बाद अभी आप मेरा फेस देखना बहुत ज़्यादा ग्लोई लगता है एंड बहुत अच्छे से मेकअप को अच्छे से ये सेट कर देता है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने नाओ मेरा फाइनली लुक रेडी है गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे बहुत ही ईजिली आप अपना खुद का ब्राइडल मेकअप लुक कर सकते हैं सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर